मोक्ष का अर्थ है जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना, इसके अलावा सर्वशक्तिमान बन जाना। सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं। गीता में उन मार्गों को चार मार्गों में समेटा है। ये चार मार्ग हैं कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। सनातन धर्म के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। अधिकतर लोग अर्थ और काम में उलझकर ही मर जाते हैं। कभी जीवित थे और अंत समय में जब इसका पता चलता है तो उन्हें लगता है कि जैसे जीवन व्यर्थ हो गया। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी कार्य बताए गए हैं जिनको करके आप अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आखिर वह कौन से कार्य हैं जो कि आपको करने चाहिए जीवन में जीते जी ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मुक्ति चाहता है। बंधनों से मुक्ति या दुखों से मुक्ति, जेल से मुक्ति या फिर दवाखाने से मुक्ति। मनुष्य होने का मतलब यह है कि आप पशु या पक्षी की योनि से मुक्त हैं। इस तरह मनुष्य से आगे भी जहां और है। संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाकर देवत्व को प्राप्त करना। यदि आप मुक्ति नहीं चाहते हैं तो आपको दान, पुण्य, क्रियाकर्म, श्राद्ध आदि सभी धार्मिक कार्य छोड़ देने चाहिए। लेकिन अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे धर्म में ऐसे कई सारे रास्ते बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें पहला रास्ता है संध्या वंदन का। ऐसे ही इसका अगला मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है, जिसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा आरती, प्रार्थना आदि शामिल होती हैं। इसके अलावा एक ऐसा तरीका जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो कि है योग का तरीका। योग अर्थात मोक्ष के मार्ग की सीढ़ियाँ। पहली सीढ़ी यम, दूसरी नियम, तीसरा आसन मुद्रा, चौथी प्राणायाम, पांचवी प्रत्याहार, छठी धारणा, सातवीं ध्यान और आठवीं अंतिम सीढ़ी को समाधि यानी कि मोक्ष कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगला तरीका है ध्यान का तरीका। ध्यान का अर्थ शरीर और मन की तंद्रा को तोड़कर होशपूर्ण हो जाना है। ध्यान कई प्रकार से किया जाता है। इसका उद्देश्य साक्षी भाव में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त करना होता है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होने लगता है। अगला मार्ग है तंत्र का मार्ग। मोक्ष प्राप्ति का तांत्रिक मार्ग भी है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को बलपूर्वक हासिल करना। तंत्र भोग से मोक्ष की ओर का गमन है। इस मार्ग में कई तरह की साधनाओं का उल्लेख मिलता है। तंत्र मार्ग को वाम मार्ग भी कहते हैं। तंत्र को हालांकि अक्सर लोग गलत अर्थों में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों अगला मार्ग है ज्ञान मार्ग। साक्षी भाव द्वारा विशुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान मार्ग कहा गया है। ईश्वर, ब्रह्मांड, जीवन, आत्मा, जन्म और मरण आदि के प्रश्नों से उपजे मानसिक द्वंद्व को एक तरफ रखकर निर्विचार को ही महत्व देना, तो आप साक्षी भाव को उत्पन्न कर सकते हैं। वेद, उपनिषद और गीता के श्लोकों का अर्थ समझे बगैर यह संभव नहीं है। दोस्तों अगला और अंतिम मार्ग है कर्म और आचरण का। कर्मों में कुशलता लाना सहज योग है। भगवान श्री कृष्ण ने 20 आचरणों का वर्णन किया है, जिसका पालन करके कोई भी मनुष्य जीवन में पूर्ण सुख और जीवन के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोस्तों 20 आचरणों को पढ़ने के लिए आपको गीता पढ़ना होगा। भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मवादी बनना होगा, जिसको पढ़ के आप इन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे मार्ग हैं जिनमें से आप किसी एक मार्ग को भी अपनाते हैं तो फिर आप मोक्ष की प्राप्ति इस जीवन में ही कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।